हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू नेट कॉमर्स क्लासेस तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉमर्स यूजीसी नेट पेपर टू की यूनिट वन के बारे में बिजनेस इन्वॉलमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल में यूनिट वन को पढ़ेंगे और इसके सभी इम्पोर्टेंट्स जो टॉपिक हैं वो अच्छे से कवर करेंगे होप है आपको वीडियो पसंद आएगी आप हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी ये सारी वीडियो मिलती रहें सो so फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं यूनिट वन बिजनेस एन्वायमेंट एंड इंटरनेशनल बिज़नेस फर्स्टली हम इसका सिलेबस देख लेते हैं इसके सिलेबस में क्या क्या है ये आप देख लो कंसेप्ट हैं बिजनेस इन्वायमेंट ये कितने टाइप का होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के बारे में देखेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में हम इसमें देखेंगे उसके बाद स्कोप और इम्पोर्टेंस क्या है इंटरनेशनल बिज़नेस की वो देखेंगे ग्लोबलाइजेशन और उसके ड्राइवर्स क्या हैं एंट्री करने के मोड्स क्या हैं इंटरनेशनल बिज़नेस में थियोरीज़ क्या हैं ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे और एफ़ टी आई एफ पी आई फ़ॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इसके बारे में देखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट और ये कुछ जो हमारी ट्रेड यूनियंस हैं इनके बारे में देखेंगे आई एम एफ वर्ल्ड बैंक ये सब सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं फर्स्ट है हमारा मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वामेंट बिजनेस इन्वायरमेंट का क्या मीनिंग है इसके बारे में देखते हैं तो बिजनेस इन्वायमेंट का मीनिंग है कि बिजनेस इन्वायरमेंट इज सम टोटल और कलेक्शन ऑफ ऑल कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स विच अफेक्ट्स बिजनेस मतलब जो सभी फैक्टर्स होते हैं चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल वो हमारे बिजनेस के इन्वायरमेंट का पार्ट होते हैं इन्वामेंट का मतलब है हमारे आसपास की चीजें तो बिजनेस का इन्वॉर्मेंट मतलब बिजनेस के ऑल अराउंड जो चीजें होती है, जो है, हैं जो बिजनेस को इफेक्ट करती हैं वो होती हैं बिजनेस इन्वायरमेंट में सो so, फिर हम देखते हैं कि बिजनेस इन्वामेंट कितने टाइप का होता है तो बिजनेस एन्वायरमेंट दो टाइप का होता है इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या आता है इंटरनल एनवायरनमेंट में आता है बिजनेस के अंदर जो एनवायरनमेंट होता है बिजनेस का और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या आता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब है बिजनेस के बाहर का वातावरण ठीक है तो हम इसको पढ़ते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट में वैल्यू सिस्टम मतलब बिजनेस की बिजनेस का वैल्यू सिस्टम क्या है बिज़नेस का मिशन क्या है ऑब्जेक्टिव क्या है ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रक्चर है कंपनी का कल्चर क्या है क्वालिटी ऑफ ह्यूमन ये हम देखेंगे लेबर यूनियंस के बारे में हम पढ़ेंगे फिजिकल रिसोर्सिस और टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ तो अगर ये आता है तो फिर आपको देखना है कि ये इंटरनल इन्वामेंट में सारे टॉपिक्स इंक्लूड हैं उसके बाद है एक्सटर्नल इन्वामेंट एक्सटर्नल इन्वामेंट क्या है ये हम इसमें देखते हैं एक्सटर्नल इन्वामेंट्स को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है माइक्रो माइक्रो इन्वायमेंट में और मैक्रो इन्वामेंट में माइक्रो का मतलब होता है छोटा या टीनी या स्मॉल ठीक है और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा जो बड़े लेवल पे इफेक्ट करता है और माइक्रो जो छोटे लेवल पे जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के जो है कस्टमर्स हैं कॉम्पिटिटर्स हैं उसके बाद मार्केट के सप्लायर्स या फिर इंटरमेडिज ये आ जाते हैं हमारे माइक्रो इन्वामेंट में और मैक्रो इन्वामेंट में क्या आता है इकनॉमिक इन्वामेंट हमारी इकनॉमिक कंडीशन क्या है हमारी इकनॉमिक किस टाइप की है ये सब चीज़ें उसके बाद पॉलिटिकल और लीगल इन्वामेंट कि लीगल पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारे बिज़नेस पे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर चेंज हो रही हैं तो बिज़नेस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है या फिर uh, जो लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं उनका क्या बिज़नेस पे इफेक्ट पड़ता है उसके बाद नेक्स्ट है हमारा टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल इन्वामेंट टेक्नोलॉजिकल इन्वामेंट मतलब जो टेक्नोलॉजी चेंज होती है हमारे इन्वामेंट में उसका हमारे बिज़नेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है तो ये टेक्नोलॉजिकल इन्वामेंट आ गया ये बिज़नेस के आउट ऑफ कंट्रोल होता है कहीं ना कहीं हम इंटरनल इन्वामेंट को बिज़नेस अपने हाथ से कंट्रोल कर सकता है लेकिन एक्सटर्नल इन्वामेंट को कंट्रोल करना उसके लिए ईजी नहीं होता क्योंकि हमें नहीं पता वो कब चेंज हो जाए टेक्नोलॉजी जो है वो कब न्यू टेक्नोलॉजी आ जाए और पुरानी टेक्नोलॉजी जो है वो ख़त्म हो जाए उसका यूज़ ना रहे उसके बाद ग्लोबल लेवल पे चेंजेस आते रहते हैं और वो भी हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं उसके बाद सोशल और कल्चरल इन्वामेंट भी बिज़नेस पर इफ़ेक्ट करता है फिर डेमोग्राफिकली भी बिजनेस ये सारी चीज़ें जो हैं बिज़नेस पे इफ़ेक्ट करती है जैसे कि नेचुरल कैलमिटीज़ कुछ भी हैपनिंग हो सकता है उसका भी बिज़नेस पे इफेक्ट पड़ता है और वो क्या होता है हमारे हाथ में नहीं होता तो इस तरीके से बिजनेस पे ये चीज़ें जो है वो इफेक्ट डालती हैं सो अब हमने देख लिया नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी इकोनॉमी के टाइप्स के बारे में हम देखेंगे ठीक है कितने टाइप की इकोनॉमी होती है तो इकोनॉमी के जो टाइप हैं तो ये है सोशलिस्ट मिक्स्ड और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है इसके बारे में देखते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब है सोशल ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनकी सोशल ओनरशिप रहती है सोसाइटी की तो वो चीज़ हो गया तो ये जो है ये कहाँ कहाँ पे लागू हुई है ये यूएस एस और चाइना में है सोशलिस्ट इकनॉमी एग्जाम्पल है ये जैसे कैपिटलिस्ट इकनॉमी कैपिटलिस्ट इकनॉमी क्या होती है प्राइवेट ओनरशिप होती है जहाँ पे प्रोडक्शन के मीन्स पर प्राइवेट प्राइवेट ओनरशिप हो वो क्या होती है वो हमारी कैपिटलिस्ट इकनॉमी होती है ये यूएसए यूके फ्रांस इन सब में है और फिर अगर हम बात करें मिक्स इकोनॉमी की तो मिक्स इकोनॉमी वो होती है जिसमें पब्लिक और प्राइवेट ओनरशिप भी हो इंडस्ट्रीज़ की मार्केट बेट बेस्ड एलोकेशन भी हो और फ्री मार्केट्स विद स्टेट इंटरवेंसिजम तो ये जो है मिक्स्ड इकोनॉमी कहाँ पे है हमारे इंडिया में इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है तो हमने देख लिया कि कितने टाइप की इकोनॉमी है और किस तरह से है उसके बाद नेक्स्ट है हम पढ़ेंगे अब मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी के बारे में कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी क्या है मॉनेटरी पॉलिसी कौन रेगुलेट करता है सेंट्रल बैंक कौन करता है सेंट्रल बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ठीक है और फिजिकल पॉलिसी जो होती है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है मतलब गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है तो इसको हम डिस्कस करते हैं फिजिकल पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी क्या है द फिजिकल पॉलिसी इज़ कंसर्न विद द रेजिंग ऑफ गवर्नमेंट रिवेन्यू एंड इनकरिंग ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो ये गवर्नमेंट के रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होती है टू जनरेट रिवेन्यू एंड टू इनकर एक्सपेंडिचर द गर्मेंट फ्रेम से पॉलिसी कॉल्ड बजट्री पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी इन सब के लिए गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है उसको बजटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी होती है सो द फिजिकल पॉलिसी इज कंसर्न विद तो फिजिकल पॉलिसी कहाँ से किससे कंसर्न करती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से और गवर्नमेंट के रिवेन्यू से ऑब्जेक्टिव्स क्या है फिजिकल पॉलिसी के अटेन फुल एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल गवर्नमेंट का पॉलिसी बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव uh, होता है अटेन फुल एम्प्लॉयमेंट ताकि फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में जनरेट की जा सके उसके बाद इंक्रीज रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट के रेट को बढ़ाया जा सके द जर्नल दाइज लेवल जर्नल लेवल को स्टेबिलाईज किया जा सके प्रोमोट इकोनॉमिक ग्रोथ विद इक्विटी इक्विटी के साथ इकोनॉमी में ग्रो ग्रो किया जा सके मोबालाइज सोशल एंड रीज डिस्ट्रीब्यूट इनकम तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्या हैं? ऑब्जेक्टिव हैं किसके फिजिकल पॉलिसी के सो so, नेक्स्ट है मॉनिट्री पॉलिसी मॉनिटरी पॉलिसी क्या है मॉनिटरी पॉलिसी रेफर्स टू द क्रेडिट कंट्रोल मेजर एडेप्टेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री जो एक कंट्री के सेंट्रल बैंक के द्वारा मेजर्स अपनाए जाते हैं क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए तो वो होती है मोनिट्री पॉलिसी मोनिट्री पॉलिसी एज पॉलिसी एम्प्लॉइंग सेंट्रल बैंक कंट्रोल ऑफ द सप्लाई ऑफ मनी मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने में इंस्ट्रूमेंट फॉर अचीविंग अचीव ऑफ जर्नल इकोनॉमिक पॉलिसी ताकि अच्छे से इकोनॉमिक पॉलिसी को हमारी इकोनॉमी को हैंडल किया जा सके उसके लिए क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो बैंक रेट इन सब में चेंजेस करती रहती है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है क्रेडिट कंट्रोल uh, करती है सो so, नेक्स्ट है कि डिफरेंस uh, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी के बीच में डिफरेंस क्या है हम ये देखेंगे सो सेट बाय सेंट्रल बैंक जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसे सेंट्रल बैंक के द्वारा सेट किया जाता है और फिजिकल पॉलिसी को गवर्नमेंट के द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो एड्रेस करती है सप्लाई ऑफ मनी और इंटरेस्ट रेट को और जो फिजिकल पॉलिसी है वो इन्वॉल्व होता है उसमें चेंज गवर्नमेंट स्पेंडिंग टैक्स रेट्स इन सब में तो जो इसका जो मॉनेटरी पॉलिसी का टारगेट होता है वो होता है इन्फ्लेशन आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट और जो फिजिकल पॉलिसी है उसका कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं होता सो so, इसके की टूल्स होते हैं चेंजिंग इंटरेस्ट रेट चेंजिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट्स ओपन मार्केट ऑपरेशंस और इसके होते हैं टैक्सेस और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स बिल्कुल मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो बैंक से रिलेटेड होती है सेंट्रल बैंक उसको हैंडल करता है और वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है क्रेडिट सिस्टम को कंट्रोल करती है और जो हमारी फिजिकल पॉलिसी होती है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स को और टैक्स रेट्स को इन सब को हैंडल करती है सो नेक्स्ट टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब है सेफ गार्ड द इंटरेस्ट एंड राइट ऑफ कंज्यूमर्स कंज्यूमर्स के राइट्स को सेफ्टी देना मतलब कि अगर कंज्यूमर्स जो हैं उनके लिए ये एक्ट बनाया गया था 1986 में अब इस एक्ट में कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है वो आ गया है तो क्या कंज्यूमर के राइट्स को सेव करता है ये कैसे सेव करता है कि जैसे अगर बिजनेसमैन है या फिर कोई होल सेलर है या फिर कोई शॉपकीपर है कोई भी जिससे कंज्यूमर परचेज कर रहा है अगर वो उसके साथ उसको गलत क्वांटिटी में सामान दे रहा है या फिर उसको जो चीज़ बता रहा है वो नहीं दे रहा एडवर्टीजमेंट कुछ और की जा रही है लेकिन उसको प्रोवाइड कुछ और किया जा रहा है तो इन सब केस में क्या है कंज्यूमर जो है वो कंप्लेन दर्ज करवा सकता है इस एक्ट के तहत सो so, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट टू है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट टू है इनको हम इस इन, इन, इन डिस्कस करते हैं इनमें क्या डिफरेंस है ये हम देखेंगे सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है उसमें कोई सेपरेट रेगुलेटर नहीं था ओके इसमें कोई सेपरेट रेगुलेटर नहीं था लेकिन जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बना है उसमें एक अथॉरिटी बनाई गई है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी फॉर्म की गई है रेगुलेटर के तौर पर उसके बाद जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है कंप्लेंट कुड बी फील्ड इन ए कंज्यूमर कोर्ट वहाँ पे जो है कंज्यूमर कोर्ट में ही कम्प्लेन फील की जा बी फील्ड इन ए कंज्यूमर कोर्ट वेयर द सेलर डिफेंडेंट ऑफिस इज लोकेटेड जहाँ पे सेलर का सेलर डिफेंडेंट ऑफिस लोकेटेड होता था वहाँ पे कंप्लेन की जाती थी लेकिन कंप्लेन जो अब है वो फील्ड की जाती है कंज्यूमर कोर्ट में वेयर द कंप्लेनेंट रेसिडेंस रिसाइड्स और वर्क जहाँ पे वो जहाँ पे कंप्लेन कंप्लेनेंट का रेसिडेंट है या वर्क है तो फिर ये चेंजेस किया गया है उसके बाद नेक्स्ट है नो प्रोविज़न कंज्यूमर कु अप्रोच एज सिविल कोर्ट बट नॉट कंज्यूमर कोर्ट जो कंज्यूमर है वो सिविल कोर्ट में जा सकता था लेकिन कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जा सकता था अब जो है कंज्यूमर जो है वो कंपनसेशन के लिए और हार्म के लिए कॉज बाय प्रोडक्ट और सर्विसेज कंज्यूमर कैन सी कंपनसेशन अब वो कंपनसेशन ले सकता है जिस प्रोडक्ट से उसको या सर्विस से उसको हार्म पहुँचा है उससे रिलेटेड तो प्रोडक्ट की लाइबिलिटी में भी चेंजेस किए गए हैं उसके बाद नेक्स्ट है कि पैक्यूनरी uh, जरिएशन तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दो लाख से दो लाख अप टू टू लैख ट्वेंटी थाउजेंड होता था स्टेट लेवल पे आ, फाइव लैख ट्वेंटी समथिंग होता था और वन करोड़ तक होता था और नेशनल लेवल पे वन करोड़ से या उससे अबव इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ, अब जो न्यू है उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये कर दिया स्टेट पर ये और नेशनल पे ये उसके बाद है ई कॉमर्स ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई प्रोविजन नहीं था लेकिन अब ई कॉमर्स से रिलेटेड रूल्स और आ, जो रेगुलेशन्स है वो बना दिए गए हैं तो मेन जो चेंज किया है वो यही किया है नाइनटीन एटी सिक्स में जो है वो ई e कॉमर्स का कन्सेप्ट इतना ज़्यादा नहीं था सो so, अब वो है तो उसमें उसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है पहले ये इसमें इंक्लूड नहीं था उसके बाद है मेडिएशन सेल्स मेडिएशन सेल्स से रिलेटेड भी पहले कोई प्रोविजन नहीं था लेकिन अब जो है कोर्ट कैन रेफर सेटलमेंट थ्रू मेडिएशन कोर्ट जो है वो मेडिएशन के थ्रू सेटलमेंट करवा सकती है ये इसमें डिफ्रेंसिस हैं टू और नाइनटीन वाले में और हमने देख लिया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट अब हम डिस्कस करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के बारे में तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ये लेजिस्लेशन पासड इन इंडिया इन 1973 मतलब 1973 में ये आया था तो इसका मेन काम क्या रहा है फॉरेन एक्सचेंज का डीलिंग सर्टेन काइंड्स ऑफ पेमेंट द डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज एंड सिक्योरिटीज फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो भी सिक्योरिटीज़ वगैरह होती है उनमें डीलिंग की जाती थी ट्रेड को देखता था लेकिन इस एक्ट में कुछ कमियां थी इसलिए उन कमियों को रिमूव करने के लिए नया एक्ट पास किया गया जिसका नेम क्या है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा फेमा जो है फेमा के थ्रू क्या किया गया था फेमा के थ्रू रिप्लेस किया गया है फेरा को ठीक है फेमा के थ्रू किसको रिप्लेस किया गया है फेरा को रिप्लेस किया गया है फेमा आया था 1999 में और इफेक्ट में आया ये फर्स्ट जनवरी 2000 को इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो अप्लाइज टू ऑल ब्रांचेज ये पूरी इंडिया में है और सभी ब्रांचेज पे अप्लाई किया गया है ऑफिस पे जो भी इंडिया के द्वारा ओन किए जाते हैं चाहे वो बाहर भी हो मतलब फॉरेन कंट्रीज में भी हों लेकिन अगर इंडिया उनको ओन कर रहा है तो ये उन जगहों पे जो है एप्लीकेबल है सो so, पहले इसमें जो है ना फेरा था वो सिर्फ रेगुलेशन करता था अच्छे से मैनेजमेंट नहीं करता था स्टिक रूल रेगुलेशन थे लेकिन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जब आया तो इसमें रेगुलेशंस को थोड़ा ढील दी गई कुछ रेगुलेशंस हटाए गए जो स्टिक थे और प्रॉपर मैनेज किया गया जिससे कि ट्रेड में जो है बहुत अच्छा लेवल पर जो है अचीव अचीवमेंट्स हुई उसके बाद जो है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट में क्या था उसमें प्रॉपर वे में किसी भी तरह का ऑथोराइज पर्सन के लिए एक नैरो डेफिनेशन थी लेकिन मैनेजमेंट एक्ट एक्ट जब आया तो उसमें उसकी डेफिनेशन जो है वो वाइडर uh, हो गई ऑथोराइज पर्सन की अब नेक्स्ट है कि इनके बीच में डिफरेंस सो so, एक डिफरेंस इनके बीच में वो हम देख लेते हैं uh, जो प्रोविजंस थे वो कॉम्प्लेक्स थे एट्टी सेक्शंस थे लेकिन अब जो है वो फोर्टी नाइन सेक्शंस हैं फेमा में तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था फेरा अब फेमा जो है वो इजी हो गया है फीचर्स प्रिजम्पन ऑफ मैंस री और इसमें है एक्सट्यूट तो डेफिनेशन करंट अकाउंट नॉट डिफाइंड इसमें करंट अकाउंट डिफाइंड नहीं था करंट अकाउंट डिफाइंड नहीं था लेकिन जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया है उसमें करंट अकाउंट की प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है अब जो है ऑथोराइज पर्सन की नैरो डेफिनेशन थी लेकिन अब जो है वाइड कर दी गई है बैंक्स को भी इंक्लूड कर दिया गया फेमा में उसके बाद नेक्स्ट है कि कंपेटिबिलिटी विद आईटी तो फेरा में कोई डील्ट नहीं थी उसके साथ लेकिन अब जो है कंसाइडर रेसिडेंट इन इंडिया सिमिलर टू आईटी तो ये चेंजेस हुए हैं ये इन दोनों में डिफरेंस है आप देख उसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉर्पोट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं सो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ए टाइप ऑफ बिजनेस सेल्फ रेगुलेशन विद द एम ऑफ बिंग सोशली अकाउंटेबल जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मतलब आप कंपनी के कंपनी जो है वो सोसाइटी के रिसोर्स को यूज़ करती है तो जब कंपनी सोसाइटी के रिसोर्स को यूज़ करती है तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोसाइटी के लिए भी कुछ करे सोसाइटी की भी डेवलपमेंट करें तो so, उसकी ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी की सोसाइटी को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो कि वो उसके लिए अकाउंटेबल होती है जवाबदेह होती है जब वो सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज़ कर रही है तो उसे बदले में सोसाइटी को भी कुछ देना है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ए टर्म यूज़ टू डिस्क्राइब ए कंपनी एफर्ट्स टू इम्प्रूव सोसाइटी इन सम वे मतलब ये कंपनी के एफर्ट्स को बताती है जो वो यूज़ करता है कंपनी जो सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाती है कहीं ना कहीं तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक अच्छा इन्वामेंट प्रोवाइड करे कंपनी के लिए एक अच्छा इन्वॉर्मेंट सोसाइटी के लिए एक अच्छा इन्वामेंट प्रोवाइड करे और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे सोसाइटी की जनरेशन को और अच्छा एक मतलब इन्वामेंट फ्रेंडली वर्क प्लेस प्रोवाइड करे तो ऐसे ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोसाइटी को लेकर तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज थॉटफुल एंड प्रैक्टिकल वे टू गिव बैक टू सोसाइटी मतलब एक प्रैक्टिकल वे है जिसकी हेल्प से सोसाइटी की हेल्प कर सकते हैं कंपनी जो है वो सोसाइटी की मदद कर सकती है उसके बाद नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके वो ये हैं कि अगर किसी कंपनी की नेटवर्थ पाँच सौ करोड़ रुपए है या फिर टर्न ओवर एक हज़ार करोड़ रुपए है या फिर नेट प्रॉफ़िट फाइव थाउजेंड करोड़ रुपए है इनमें से अगर कोई भी एक कंडीशन कोई भी वन कंडीशन जो है वो फुलफ़िल होती है तो वो अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगी ये ज़रूरी है कंपलसरी है ये और जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेवन्थ शेड्यूल के अंदर आती है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल करनी है मतलब जो पिछले थ्री ईयर्स के थ्री ईयर्स के प्रॉफिट्स में से थ्री तीन साल का जो थ्री ईयर का प्रॉफिट होता है प्रीवियस थ्री ईयर का उसमें से टू परसेंट जो है वो कंट्रीब्यूट uh, करना है सोसाइटी के लिए तो ये है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मोस्टली ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल बिजनेस रेफर्स टू हाँ जी इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब होता है ट्रेड करना गुड्स और सर्विसेज का टेक्नोलॉजी का कैपिटल का और नॉलेज का एकरस नेशनल बॉर्डर एंड इट ए ग्लोबल और ट्रांजिशनल स्केल इट इन्वॉल्व क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर कंट्रीज इंटरनेशनल बिजनेस इज ऑल्सो नॉन एज ग्लोबलाइजेशन बिल्कुल इंटरनेशनल बिजनेस मतलब ग्लोबली बिजनेस करना एक कंट्री जब दूसरी कंट्री में गुड्स और सर्विसेज का लेन देन करती है या नॉलेज का लेन देन करती है किसी भी तरह से कोई काम करती है और बिजनेस जनरेट करती है तो वो क्या होता है वो हमारा इंटरनेशनल बिज़नेस होता है और ये ग्लोबलाइजेशन को भी क्या करता है प्रमोट करता है सो इंटरनेशनल बिज़नेस इंटरनेशनल बिज़नेस हमारे किस तरीके से हैं हम ये देखेंगे सो फर्स्ट है डोमेस्टिक कंपनी डोमेस्टिक कंपनी मतलब एथनोसेंट्रिक एथनोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है जो गुड्स और सर्विसेज की सेलिंग कर रही है वो डोमेस्टिक मार्केट में सिर्फ की जा रही है नो no एक्सपोर्ट कोई एक्सपोर्ट नहीं होता ओनली डोमेस्टिक मार्केट में ये होता है एथनोसेंट्रिक तो डोमेस्टिक कंपनी जो होती है वो एथनोसेंट्रिक होती है वो सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में सेल करती है और कोई एक्सपोर्ट नहीं करती फिर आती है इंटरनेशनल कंपनी इंटरनेशनल कंपनी क्या होती है एथनो सेंट्रिक एंड एक्सटेंशन इन फॉरेन मार्केट एथनोसेंट्रिक तो होती है लेकिन एक्सटेंशन इन फॉरेन मार्केट मतलब फॉरेन मार्केट्स में भी वो डील करती है सेम uh, प्रोडक्ट जैसे जो प्रोडक्ट वो अपनी डोमेस्टिक मार्केट में सेल कर रही है वही प्रोडक्ट वो क्या कर रही है वो एक्सटेंशन कर लेती है सिर्फ उसकी मार्केट की वो फॉरेन मार्केट में भी वही प्रोडक्ट सेम सेल करती है उसके बाद है मल्टीनेशनल कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी कौन सी होती है ये होती है पोलिसेंट्रिक पोलिसट्रिक कैसे होती है कस्टमाइज प्रोडक्ट एज पर फॉरेन मार्केट मतलब फॉरेन मार्केट के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज कर लेती है अगर डोमेस्टिक मार्केट में किसी और प्रोडक्ट की डिमांड है तो उस अकॉर्डिंग प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगी और अगर फॉरन मार्केट में किसी अदर उसी टाइप में अगर किसी प्रोडक्ट को उनको कुछ कस्टमाइज़ करके चाहिए तो वो उन्हें वैसा ही प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगी तो ये होती है मल्टी नेशनल कंपनी उसके बाद है ग्लोबल एंटरप्राइजेस ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या होते हैं ग्लोबल मार्केट स्ट्रेटजी और एक ग्लोबल सोर्सिंग स्ट्रेटजी जो ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल लेवल पे मार्केटिंग की जाती है और ग्लोबल ही सोर्सिंग स्ट्रेटजी को अपनाते हैं तो वो ग्लोबल एंटरप्राइजेस होते हैं फिर है ट्रांजिशनल कॉरपोरेशन ट्रांजिशनल कॉरपोरेशन कौन सी है इन्वेस्ट एंड ऑपरेशंस इन मैनी कंट्रीज जो बहुत सारी कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करती हैं बहुत सारी कंट्रीज में क्या करती हैं ऑपरेट करती हैं तो वो होती हैं ट्रांजिशनल कॉरपोरेशन नेक्स्ट है एंट्री मोड्स इन फॉरेन मार्केट फॉरेन मार्केट में एंट्री करने के क्या क्या मोड्स होते हैं तो एक्सपोर्ट के थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपोर्ट या इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट करके फॉरेन मार्केट में एंट्री ली जा सकती है उसके बाद नेक्स्ट है लाइसेंसिंग लाइसेंसिंग के थ्रू फॉरेन मार्केट में एंट्री कर सकते हैं फ्रेंचाइजिंग के थ्रू फ्रेंचाइजिंग मतलब प्रोसेस फ्रेंच लाइसेंसिंग फॉर्मूला होता है ये फिर ट्रेडमार्क लाइसेंसिंग फार्मूले के थ्रू ट्रेड नेम के थ्रू या फिर इंटरनेशनल इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग फ्रेंचाइजिंग फार्मूले के थ्रू ट्रेड नेम के थ्रू डायरेक्शन टू बिजनेस की डायरेक्शन एक्वाइजेशन करके या मर्जर करके जॉइंट वेंचर के थ्रू या फिर होलीओन सब्सिड्री से एक्सपोर्ट के थ्रू लाइसेंसिंग से ये सारे वे हैं लाइसेंसिंग से जिसमें एंट्री की जा सकती है फॉरेन मार्केट में और फिर है इन्वेस्टमेंट के थ्रू कैसे करनी है इन्वेस्टमेंट के थ्रू करनी है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के थ्रू तो इस तरीके से एंट्री कर सकते हैं फॉरेन मार्केट में बिजनेस करने के लिए उसके बाद नेक्स्ट है नाफ्टा नाफ्टा क्या है ये ये भी आ जाती है इनसे रिलेटेड टर्म्स बहुत आती हैं एग्जाम में सो so, इन्हें भी पढ़े हैं आप जैसे कि नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्ता तो इसमें जो कैनेडा मैक्सिको यूनाइटेड स्टेट क्रिएटिंग ए ट्री ट्राई ट्रीलेटरल ट्रेड ब्लॉग इन नॉर्थ अमेरिका ये जो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्ता है इसको कैनेडा मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट है उन्होंने क्रिएट किया है एक ट्राई ट्रेड ब्लॉक नॉर्थ अमेरिका में द एग्रीमेंट कम इनटू फोर्स ऑन जनवरी फर्स्ट 1994 ये कब आया था जनवरी फर्स्ट 1994 को आया था एग्जाम में पूछ लिया जाता है टू सप्लीमेंट ऑफ दिस एग्रीमेंट इस एग्रीमेंट के दो सप्लीमेंट्स ये भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं नॉर्थ अमेरिकन एग्रीमेंट ऑन इन्वामेंट कॉरपोरेशन नॉर्थ अमेरिकन एग्रीमेंट ऑन लेबर कॉरपोरेशन ये किसके सप्लीमेंट है नाफ्टा के नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के सो नेक्स्ट हैं एशियान आशियान के बारे में तो आपने सुना ही होगा एसोसिएशन कॉमर्स के बच्चे हो इतना पता होगा एसोसिएशन ऑफ एंड एशियन नेशंस इसको एशियान बोलते हैं एसोसिएशन है ये एंड एशियन नेशंस की तो रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है हेडक्वार्टर कहाँ पे है एशियान का जिकार्ता इंडोनेशिया में कब फाउंड हुआ था एट अगस्त नाइनटीन को इसकी अगर मेंबरशिप की बात करें तो टेन स्टेट हैं इसकी मेंबर हैं टेन स्टेट्स कौन कौन सी स्टेट्स हैं ये भी मैंने बताया है कम्बोडिया है थाईलैंड है वियतनाम है इंडोनेशिया है फिलीपींस है लाओस है ब्रुनेई है ब्रुनेई दारुशलम है ये एक ही है मलेशिया है म्यांमार है सिंगापुर है ये टेन कंट्रीज़ जो हैं वो एशियन की क्या है मेंबर है और एशियन के दो ऑब्जर्वर कौन हैं पपुआ न्यूजनिया और तमोर लास्ते ये जो हैं दो इसकी ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं उसके बाद नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक का अगर हम देखें सो so, वर्ल्ड बैंक क्या है इट इज़ इट इज़ एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड लोन्स टू डेवलपिंग कंट्रीज फॉर कैपिटल प्रोग्राम सो ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो प्रोवाइड करती है लोन डेवलपिंग कंट्रीज को अपने कैपिटल प्रोग्राम्स को जनरेट करने के लिए मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है इसका इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस पॉवर्टी गरीबी को हटाना और दूसरा इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ एवरी कंट्री सभी कंट्रीज़ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करना ठीक है गरीबी हटाना बिल्कुल ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड बैंक जो लोन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को डेवलपिंग कंट्रीज मतलब जो कंट्रीज अभी डेवलप नहीं हुई लेकिन वो प्रोसेस में हैं ताकि वो एक दिन डेवलप्ड हो सके तो उन कंट्रीज़ को ये लोन प्रोवाइड करता है ताकि वो डेवलप हो सके और अगर अच्छी डेवलप होंगी तो इससे सबको जो है अच्छा होगा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी उस कंट्री की तो मेजर ऑब्जेक्टिव एक तो गरीबी को हटाना है दूसरा है लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिल्कुल डेवलप्ड कंट्रीज होगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी लोगों का बढ़ेगा तो 2030 तक इसके गोल्स क्या हैं इसके गोल्स हैं एंड एक्सट्रीम पॉवरिटी बाय डिक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग ऑन लेस देन डॉलर वन पॉइंट नाइन्टी ए डे टू नो मोर देन थ्री परसेंट और प्रोमोट करना एक तो गरीबी को ख़त्म करना दूसरा 2030 तक क्या गोल है प्रोमोट शेयर्ड प्रोस्पेरिटी बाई फोस्टिंग द इनकम ग्रोथ ऑफ द बॉटम फोर्टी ऑफ एवरी कंट्री ये करके इनको मदद करना उसके बाद नेक्स्ट है आईएमएफ आईएमएफ के बारे में अगर हम देखें तो आईएमएफ जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो स्टेब्लिश हुआ था जुलाई नाइनटीन फोर्टी फोर को फोर्टी फोर कंट्रीज़ के साथ उन्नीस सौ में 44 कंट्रीज़ के साथ स्टार्ट हुआ था टू लुक आफ्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरन एक्सचेंज प्रॉब्लम्स जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशट में चली जाती है उसकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए और फॉरन एक्सचेंज प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के लिए सो मेंबरशिप आप अब इसकी मैंबरशिप कितनी है एक सौ नब्बे कंट्रीज जो हैं वो इसकी मेम्बर्स हैं इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है इसका हेड क्वार्टर है वाशिंगटन डी सी में और एग्जीक्यूटिव बोर्ड में कितने डायरेक्टर्स हैं ट्वेंटी फोर डायरेक्टर्स हैं इंडिया कितने नंबर पर हैं इंडिया एटथ नंबर पर है और फोर एमरजिंग मार्केट कंट्रीज कौन सी हैं ब्राजील चाइना इंडिया एंड रशिया ब्राजील चाइना इंडिया एंड रशिया ये हैं ठीक है सो आई एम एफ के बारे में भी हमने देख लिया उसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू टी ओके तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर हम बात करें तो वर्ल्ड डब्ल्यू टी ओ कम इन टू बींग ऑन फर्स्ट जनवरी नाइनटीन नाइनटी फाइव एट जिनेवा सो so, ये फर्स्ट जनवरी 1995 को बनाया गया था और जेनेवा में इसका क्वार्टर है करंटली जो 164 कंट्रीज जो हैं वो इसकी मेंबर हैं डब्ल्यू टी ओ एंड इट्स एग्रीमेंट आर परमानेंट जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एग्रीमेंट होते हैं जो ये है तो वो ये परमानेंट है टेम्प्रेरी नहीं होते इसमें फास्ट सेटलमेंट प्रोसेस है और डब्ल्यू टी ओ इज़ मोर पावरफुल एंड हैव मेम्बर्स डब्ल्यू टी जो जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन uh, है और डब्ल्यू uh, टी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है टू हेल्प ट्रेड फ्लोज एज फ्रीली एज पॉसिबल मतलब ट्रेड uh, फ्लो को फ्रीली करना पॉसिबल करना टू अचीव फॉर लाइबरलाइजेशन लाइबरलाइजेशन को अचीव करना और मतलब जो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं उनको कम करना लाइब्राइजेशन को अचीव करना उसके बाद टू सेटअप एंड इम पैरियल मीन ऑफ सेटिंग डिस्प्यूट डिस्प्यूट को ठीक करने के लिए एक सेटलमेंट प्रोसेस अच्छे से बनाना तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके बाद नेक्स्ट है कि हमारी जो इंटरनेशनल और ट्रेड की थ्योरीज हैं उनके बारे में देख लेते हैं हम तो थ्योरीज ये हैं हमारी गिवन बाय एंड ईयर और किरने दी हैं ईयर के साथ वो भी बताया गया है तो मर्केंटिलिज्म की जो थ्योरी है वो थॉमस मन ने दी है और कब दी है 1630 में और जो एब्जोल्यूट एडवांटेज की थ्योरी है वो एडम स्मिथ ने दी है 1776 में और जो कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी है वो डेविड रिकार्डो ने दी है 1817 में थ्योरीज तो बहुत सारी दी गई हैं लाइक हम पढ़ते हैं लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरीज हैं ये जो मोस्टली एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं सो so, ये इन्होंने दे रखी है उसके बाद है नेक्स्ट ग्लोबलाइजेशन अब देखते हैं हम ग्लोबलाइजेशन को सो so, ग्लोबलाइजेशन क्या है ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन इज द वर्ड यूज टू डिस्क्राइब द ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ वर्ल्ड्स इकोनॉमीज कल्चर्स एंड पॉपुलेशन ब्रोथ अबाउट बाय क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज़ टेक्नोलॉजी एंड फ्लोज ऑफ इन्वेस्टमेंट पीपल एंड सर्विसेज सो जो ग्लोबलाइजेशन है वो एक वर्ड जो यूज़ किया जाता है मतलब ग्लोबली जब बिजनेस करते हैं कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ व्यापार करती हैं और एक दूसरे से कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ किसी में हो रहा है तो उस टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करना या किसी टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट करना सभी चीज़ों का वो होता है तो ग्लोबलाइजेशन मतलब हर चीज़ का ग्लोबलाइजेशन हो रहा है हम बोल देते हैं ना तो एक वर्ड होता है जो डिस्क्राइब करता है बढ़ती हुई इंटर को वर्ल्ड की जो इकोनॉमीज हैं उनकी बढ़ती हुई इंटर को कल्चरल को पॉपुलेशन को इन सब को तो ये इसके बारे में बताता है सो so, नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि ड्राइवर्स क्या होते हैं ग्लोबलाइजेशन के ग्लोबलाइजेशन के ड्राइवर्स हम देख लेते हैं और ग्लोबलाइजेशन uh, के ड्राइवर्स के बारे में हम देखते हैं कि uh, जो डिक्लाइन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर है ट्रेड डिक्लाइन हो रहा है और इन्वेस्टमेंट बैरियर्स हैं वो ये हैं फिर टेक्नोलॉजी चेंजेस और अदर ड्राइवर्स ये हमारे ड्राइवर्स हैं ग्लोबलाइजेशन के सो डिक्लाइन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर में आता है इंटरनेशनल ट्रेड ये इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों से रिलेटेड फ़ॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन फॉरन कंट्रीज़ और वर्ल्ड वार टू गैट डब्ल्यू टी ओ ये सारे इसमें आते हैं फिर टेक्नोलॉजिकल चेंज में ये वर्ल्ड वार टू जो माइक्रो प्रोसेसर्स है टेली कम्युनिकेशन है इंटरनेट है ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी है ये सब इसमें आ जाते हैं टेक्नोलॉजिकल जो चेंज आ रहे हैं वो तो ये टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रही हैं उस तरीके से डिक्लाइन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर्स क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं अब अदर्स में आ रहा है कि मार्केट के ड्राइवर्स कोस्ट ड्राइवर्स कॉम्पिटिटिव ड्राइवर्स और पॉलिटिकल ड्राइवर्स तो ये सब क्या है ये ड्राइवर्स हैं किसके ग्लोबलाइजेशन के कैसे कैसे बैरियर्स हैं फिर कैसे टेक्नोलॉजिकल uh, चेंज क्या है अदर ड्राइवर्स क्या हैं और ट्रेड जो डिक्लाइन हो रहा है उसके ड्राइवर्स क्या हैं सो so ये उनसे रिलेट है सो so नेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन ई यू सो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है ट्वेंटी एट मेंबर स्टेट्स हैं इसकी कितनी मेंबर स्टेट हैं ट्वेंटी एट मेंबर स्टेट्स हैं लोकेटेड प्राइमरी इन यूरोप मतलब लोकेटेड प्राइमरी कहाँ पे है यूरोप में टू इंश्योर द फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल गुड्स एंड सर्विसेज कैपिटल विद इन द इंटरनेशनल मार्केट मतलब इंटरनेशनल मार्केट में फ्री मूवमेंट करवाती है किसकी पीपल की गुड्स की सर्विसेज की कैपिटल की विद इन द इंटरनेशनल मार्केट इंटरनल मार्केट सॉरी नॉट इंटरनेशनल मार्केट इंटरनल मार्केट सो इस्टैब्लिस्ड वेन द मास्ट्रिच ट्रीटी केम इन टू फोर्स इन नाइनटीन नाइन्टी थ्री जब मास्ट्रिच ट्रीटी आई थी सो uh, so तब जो है ये स्टैब्लिश हुई थी नाइनटीन थ्री में यूरोपियन यूनियन है पॉलिटिकल और पॉलिटिकल uh, भी है और इकोनॉमिक भी है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है ट्वेंटी एट मेम्बर स्टेट्स हैं इसकी लोकेटेड है यूरोप में और फ्री मूवमेंट करवा दे किसी गुड्स और सर्विसेज और कैपिटल की विद इन द इंटरनल मार्केट इंटरनल मार्केट के अंदर और इस्टेब्लिश कब हुई थी जब मास्टर ट्रीटी एपनिंग हुई थी तब ये नाइन्टीन नाइन्टी थ्री में इस्टैब्लिश हुई थी उसके बाद नेक्स्ट है सार्क सार्क क्या है Uh, सार्क जो है वो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपोशन ये इसकी डेफिनेशन है फुल फॉर्म है इस्टेब्लिश इन ढाका ओन ये कहाँ पे इस्टेब्लिश है मतलब इसका हेडक्वाटर ढाका में बनी थी ये और आठ uh, दिसंबर 1985 को जो है ये बनी है द हेडक्वाटर एंड सेक्ट्रेट ऑफ एसोसिएशन जो इसका हेडक्वाटर है और इसकी सेक्ट्रेट है वो है काठमांडू नेपाल में कहाँ पे है काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वाटर काठमांडू नेपाल में है ढाका में ये बनी थी काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वाटर है 8 दिसंबर 1985 को ये बनी है और इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं इसकी मेंबर कंट्रीज हैं इसकी बांग्लादेश भूटान इंडिया मालदीव्स और नेपाल पाकिस्तान श्रीलंका अफगानिस्तान ये क्या हैं ये इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं सो so, ये इसकी मेंबर कंट्रीज हैं नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज व्हेन ए कंपनी टेक्स कंट्रोलिंग ओनरशिप इन ए बिजनेस एंटिटी इन अनदर कंट्री जब एक कंट्री जो है कंपनी जो है वो कंट्रोलिंग करती है ओनरशिप बिजनेस एंटिटी की अनदर कंट्री में तो वो होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना ठीक है विद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई के साथ फॉरन कंपनीज आर डायरेक्टली इन्वॉल्व विद डे टू डे ऑपरेशन इन द अदर कंट्री जो फॉरन कंपनीज हैं वो डे टू डे ऑपरेशंस जो होते हैं अदर कंट्रीज में वो उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाती हैं दिस मीन्स दे आर नाट जस्ट ब्रिंगिंग मनी विद दैम बट ऑल्सो नॉलेज स्किल एंड टेक्नोलॉजी मतलब क्या है कि वहाँ से सिर्फ वो मनी नहीं कमा रही पैसा नहीं कमा रही बट ऑल्सो नॉलेज स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी नॉलेज भी ले रही है स्किल्स भी ले रही है और वहाँ की टेक्नोलॉजी भी यूज कर रही है तो ये होता है फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सो रूट्स थ्रो विच इंडिया गेट्स एफ डी आई मतलब इंडिया को किन रूट्स के थ्रू एफ डी आई मिलती है एक तो ऑटोमेटिक रूट है एक गवर्नमेंट रूट है इन दो रूट्स के थ्रू जो इंडिया है वो एफ डी आई में प्रवेश करती है सो so, फर्स्ट है सेक्टर विच कम अंडर सेक्टर विच कम अंडर अप टू हंड्रेड परसेंट ऑटोमेटिक रूट कैटेगरी जो ऑटोमेटिक रूट में आते हैं उन सेक्टर्स की अगर हम बात करें सो hmm. so, वो है इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनी इन द सिक्योरिटीज मार्केट फोर्टी नाइन परसेंट है ये अगर हम इंश्योरेंस की बात करें तो वो अप टू फोर्टी नाइन परसेंट है अगर हम मेडिकल डिवाइसेस की बात करें तो वो अप टू हंड्रेड परसेंट है और पेंशन की अगर हम बात करें तो वो फोर्टी नाइन परसेंट है पेट्रोलियम रिफाइनिंग बाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की अगर हम बात करें तो वो भी फोर्टी नाइन परसेंट है और अगर हम पावर एक्सचेंजेस की बात करें तो वो फोर्टी नाइन परसेंट है उसके बाद अगर हम कैटेगरी हैं तो कैटेगरीज की अगर हम देखें तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं बैंकिंग और पब्लिक सेक्टर में ट्वेंटी परसेंट ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट सर्विसेज में फोर्टी नाइन परसेंट और कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी में हंड्रेड परसेंट फूड प्रोडक्ट्स रिटेल ट्रेडिंग में हंड्रेड परसेंट और माइनिंग एंड मिनरल्स सेपरेशन ऑफ टाइटेनियम बियरिंग मिनरल्स एंड ऑर्स, मल्टी ब्रांड रिटेल और ट्रेडिंग में फिफ्टी वन परसेंट और प्रिंट मीडिया प्रिंटिंग में हंड्रेड परसेंट प्रिंट मीडिया पब्लिशिंग ऑफ न्यूज पेपर एंड इंडियन एडिशन मैगजीन डीलिंग विथ न्यूज़ एंड करेंट अफेयर्स इसमें ट्वेंटी सिक्स परसेंट और अगर हम बात करें सैटेलाइट्स इस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन की जो सैटेलाइट से रिलेटेड हैं उसमें हंड्रेड परसेंट है सो so, नेक्स्ट है एफ डी आई प्रोहिबिशन मतलब ऐसे कौन से सेक्टर हैं जहाँ पे एफ डी आई को प्रोहिबिट किया गया है रोका गया है कि एफ डी आई वहाँ पर नहीं की जा सकती सो so, उन सेक्टर्स को भी हम देख लेते हैं सो so, ये है एटोमिक एनर्जी जनरेशन एनी गैम्बलिंग और बैटिंग बिजनेस जो एटोमिक एनर्जी जनरेशन है या फिर कोई गैम्बलिंग या बैटिंग से रिलेटेड बिजनेस है या फिर लॉटरी से रिलेटेड है जैसे लॉटरी से ऑनलाइन प्राइवेट या गवर्नमेंट किसी भी तरह की लॉटरीज हो उनसे रिलेटेड है तो एटोमिक एनर्जी जनरेशन कोई गैम्बलिंग या बैटिंग लॉटरी से रिलेटेड या फिर इन्वेस्टमेंट इन चिट फंड्स अगर कोई चिट फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो भी प्रोहिबिशन है निधि कंपनी से रिलेटेड भी प्रोहिबिशन है एग्रीकल्चर ऑन प्लांटेशन एक्टिविटीज़ ऑल्सो देर आर मैनी एक्सेप्शन लाइक हॉर्टिकल्चर फिशरीज टी प्लांटेशंस, पिसिकल्चर एनिमल हजबेंड्री एक्सेट्रा सो इन सब में भी क्या है इन सब में भी प्रोहिबिशन लगाई गई है हाउसिंग एंड रियल एस्टेट हाउसिंग और रियल एस्टेट से जो रिलेटेड हैं उनमें भी प्रोहिबिट किया गया है कुछ चीज़ों को छोड़ के एक्सेप्ट इनको एक्सेप्ट टाउनशिप्स कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स इन सब को छोड़ के तो वे कुछ चीज़ों को छोड़ के हाउसिंग और रियल एस्टेट में भी क्या है प्रोहिबिशन किया गया है उसके बाद ट्रेडिंग इन टी इसमें भी प्रोहिबिशंस हैं सिगार्स सिगरेट और एनी रिलेटेड टबैको इंडस्ट्री सो इन सब में क्या है प्रोहिबिशन है एफ डी प्रोहिबिशन है मतलब नहीं कर सकते फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सो उसके बाद है एफ डी आई इन इंडिया इंडिया में एफ डी आई का क्या सिस्टम है सो एफ डी आई इज़ एन इम्पॉर्टेंट मोनेटरी सोर्स फॉर इंडिया इकनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया की इकनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो एफ डी आई है वो बहुत जरूरी है मतलब क्या है कि फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ना मोनीटरी सोर्स है हमारे लिए यहाँ पे जिससे कि मनी मनी मोनिट्री सोर्स तो मनी का जो फ़ायदा हो रहा है मनी आ रही है तो मनी आएगी तो उससे हमारी इकनॉमिक डेवलपमेंट होगी सो जो फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो इम्पॉर्टेंट मोनिट्री सोर्स है इंडिया के लिए इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए सो इकोनॉमिक लाइबरलाइजेशन स्टार्टेड इन इंडिया इन द वेक ऑफ द 1991 1991 के टाइम पे जो इकनॉमिक लाइबरलाइजेशन आई थी ना एलपीजी की पॉलिसीज आई थी लाइबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन सो इकोनॉमिक लाइब्रलाइजेसन कब स्टार्ट हुआ था इंडिया में इन द वेक ऑफ नाइनटीन नाइन्टी के टाइम पे हुआ था क्राइसिस में एंड सीन देन एफ डी आई इंक्रीज़ इन द कंट्री और उसके बाद जो एफ डी आई है वो इंक्रीज हुई जैसे कि एल पी जी थी एल पी जी हमारी पॉलिसीज थी तो इसमें क्या था लाइबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन सो उस टाइम पे क्या है पहले जो है वो रिस्ट्रिक्शंस होती थी कि हाँ जो है इन सेक्टर्स में आप डील नहीं कर सकते इन चीज़ों में आप डील नहीं कर सकते इन चीज़ों पे क्या थी रोक थी लेकिन जब एफ़ डी आई जो लाइब्रलाइजेशन आया तो फिर जो लाइसेंस कॉटाज की रिक्वायरमेंट होती थी कुछ कंपनीज बनाने के लिए उसको ख़त्म कर दिया गया तो एफ डी आई इंडिया में इस तरीके से फिर प्राइवेटाइजेशन मतलब जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स थे उनमें से कुछ सेक्टर्स को छोड़ के सबको प्राइवेट कर दिया फिर ग्लोबलाइजेशन मतलब ग्लोबली बिजनेस जो है उसको प्रमोट किया गया तो ये थी एल की पॉलिसीज़ सो so, ये कह रहे हैं कि जब एल पी जी आई थी एल स्टार्टेड हुई इंडिया में कब हुई थी 1991 के क्राइसिस के टाइम पे सिंस देन एफ डी आई हैज़ स्टीडली इंक्रीज इन द कंट्री सो फिर उसके बाद जो एफ है वो कंट्री में बहुत ज़्यादा स्टीडली जल्दी से इंक्रीज होने लगी सो इंडिया टूडे इज ए पार्ट ऑफ़ टॉप हंड्रेड क्लब ऑन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में अब इंडिया जो है वो टॉप हंड्रेड पर आने लगा है एंड ग्लोबली रैंक नंबर वन इन द ग्रीन फील्ड एफ डी आई रैंकिंग और अगर हम ग्रीन फील्ड में एफ डी आई का रैंकिंग चेक करें तो उसमें इंडिया फर्स्ट नंबर पर है सो so, इंडिया की अगर हम बात करें टॉप हंड्रेड में क्लब के आसपास चल रहा है शायद वन हंड्रेड वन बद टू है सो so, हंड्रेड के अराउंड क्लब कर रहा है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में और ग्लोबल रैंक में अगर हम देखें मतलब हंड्रेड के अंडर आना बहुत बड़ी बात होती है तो इंडिया आ रहा है ये सिर्फ लिबलाइजेशन की वजह से ही पॉसिबल हो पाया क्योंकि उसके बाद ही लाइसेंस कॉटाज को जो है ख़त्म कर दिया गया और एफ़ डी आई को प्रमोशन प्रोमो, हुआ सो so, और अगर हम ग्रीनफील्ड एफ डी आई रैंकिंग की बात करें तो उसमें हम फर्स्ट नंबर पर हैं सो so, नेक्स्ट है कि मीनिंग अब एफ बी आई एफ पी आई के बारे में बात करते हैं हम एफ पी आई की अगर बात की जाए सो एफ पी आई सिक्योरिटीज़ एंड अदर फाइनेंशियल पैसिवली हेल्ड बाई फॉरन इन्वेस्टर्स ये जो एफ पी आई सिक्योरिटीज़ हैं फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इसको हम बोलते हैं तो इसकी जो सिक्योरिटीज़ हैं वो पैसिवली um, जो हेल्ड की जाती हैं फॉरन इन्वेस्टर्स के द्वारा जो फ़ोरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है एफ पी आई डज़ नॉट प्रोवाइड द इन्वेस्टर विद डायरेक्ट ओनरशिप ऑफ फाइनेंशियल असेट वो ओनर्स डायरेक्ट ओनरशिप नहीं प्रोवाइड करती फाइनेंशियल असेट्स की डायरेक्ट ओनरशिप नहीं देती एंड नो डायरेक्ट मैनेजमेंट ऑफ कंपनी और इसलिए कोई डायरेक्ट मैनेजमेंट नहीं होती कंपनी की दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रिले रिलेटिवली लिक्विड डिपेंडिंग ऑन द वॉलेटिलिटी ऑफ मार्केट इन्वेस्टेड इन इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज बाई इन्वेस्टर हु डो नाट वॉन्ट टू मैनेज ए फर्म एब्रोड तो मतलब ये पैसिवली हैल्ड करता है फ़ॉरन इन्वेस्टर एक्टिवली नहीं हैंड कर सकता सो so, इन्वेस्टर्स जो होते हैं जो फॉरन उस फर्म में नहीं इन्वेस्ट करना चाहते जो एब्रोड में हैं वो अपने खुद की डोमेस्टिक कंट्री की आ, करना चाहते हैं तो वो इसमें ज़्यादातर इन्वेस्ट करते हैं सो so, नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ एफ पी आई एफ पी आई का इवोल्यूशन कैसे हुआ इन नाइनटीन नाइन्टी टू अगर हम नाइन्टीन नाइन्टी टू की बात करें इंडिया ओपन अप इट्स इकनॉमी एंड अलोड फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन इट्स डोमेस्टिक स्टॉक मार्किट सो इंडिया ने जो है वो ओपन कर दी कर दिया अपनी इकनॉमी को और अलो किया फ़ोरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को ताकि वो इन इट्स डोमेस्टिक स्टॉक मार्किट अपनी डोमेस्टिक स्टॉक मार्किट में सिंस दैन एफ पी आई हैज़ एमर्ज एज ए मेजर सोर्स ऑफ प्राइवेट कैपिटल इन्फ्लो इन दिस कंट्री फिर एफ पी आई जो है फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो एमर्ज हुआ एक मेजर सोर्स बन गया प्राइवेट कैपिटल के इन्फ्लो होने का मतलब आने का कंट्री में इंडिया इज़ मोर डिपेंडेंट अपॉन एफ पी आई देन एफ डी आई एज ए सोर्स ऑफ फॉरन इन्वेस्टमेंट इंडिया जो है वो एफ पी आई पर ज़्यादा डिपेंड करता है एफ डी आई पे करता है लेकिन इतना नहीं करता एफ पी आई पर ज़्यादा डिपेंड करता है ड्यूरिंग नाइनटीन नाइनटी टू उन्नीस सौ बानवे से लेकर दो हज़ार पाँच तक मोर देन फिफ्टी परसेंट ऑफ फॉरन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया केम फ्रॉम एफ पी आई मतलब पचास परसेंट फिफ्टी परसेंट से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट आई है इंडिया में वो एफ पी आई के थ्रू आई है तो एक बहुत बड़ी बात है सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया क्या रहता है एफ पी आई के लिए सो एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया में अगर हम डिस्कस करें द एप्लीकेंट जो एप्लीकेंट होता है इज ए पर्सन नॉट रेसिडेंट इन इंडिया तो वो वो पर्सन होता है जो इंडिया का रेसिडेंट नहीं होता इज ए रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री विच इज सिग्नेचरी टू से बी एम ओ यू इज रेसिडेंट ऑफ कंट्री मीटिंग ये देखना है इज ए पर्सन नॉट रेसिडेंट इन इंडिया इज ए रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री विच इज सिग्नेचरी टू से बी एम ओ यू मतलब इज रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री मीटिंग टास्क फोर रिक्वायरमेंट क्या वो जो रेसिडेंट है कंट्री मीटिंग में uh, ये चेक करना है इफ ए बैंक शुड बी रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री सेंट्रल बैंक इज मैंबर ऑफ द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स मतलब अगर कोई बैंक है शुड बी रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री वो उस कंट्री का रेजिडेंट है जिसकी सेंट्रल बैंक जो है इज़ ए मेम्बर ऑफ द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स इज़ लीगली परमिटेड टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज आउटसाइड इज कंट्रीज़ सो ये सारी जो कंडीशन होती हैं वो हमें देखनी है उसके बाद नेक्स्ट हैं मोड ऑफ़ एफ पी आई इन्वेस्टमेंट एफ पी आई में एफ पी आई जो इन्वेस्टमेंट है उसके मोड क्या होते हैं तो जो एफ बी आई इन्वेस्टमेंट है उसके मोड है फॉरन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट फॉरन ऑर्गेनाइजेशन सेटअप टू इन्वेस्ट इन इंडिया जी डी आर एडीआर ठीक है उसके बाद जो ग्लोबल डिपोजिट्री रिसिप्ट जी डी आर क्या होता है ग्लोबल डिपोजिट्री रिसिप्ट और एडीआर क्या होता है अमेरिकन डिपोजिट्री रिसिप्ट फॉरन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट न ऑर्गेनाइजेशन सेटअप टू इन्वेस्ट इन इंडिया या फिर जी डी आर या ए डी आर रेजिंग मनी फ्रॉम एब्रोड थ्रो इश्यू ऑफ शेयर एब्रोड सो ये सब जो होते हैं मोड होते हैं किससे एफ पी आई इन्वेस्टमेंट करने के सो so, ये हमने डिस्कस कर लिए हैं और जो बिजनेस इन्वामेंट और इंटरनेशनल बिजनेस इन्वामेंट और इंटरनेशनल बिजनेस जो ये यूनिट है फर्स्ट किसकी हमारी कॉमर्स पेपर टू की जो फर्स्ट यूनिट है इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं वो इसमें डिस्कस करवा चुकी हूँ और अगर आपको कोई कहीं से भी कोई किसी चीज़ में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आपको किसी और टॉपिक्स पे इसमें कोई वीडियो चाहिए या कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी सकते हैं और थैंक थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो होप है आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल पे बने रहें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो सके थैंक यू फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में